सत्य हमने अभिनय की बात की कि अभिनय में वो सामर्थ्य होता है कि वो किसी भी चरित्र को जीवंत बना सके है ना पर मुझे लगता है जब हम अभिनय की बात करते हैं तो हमें रंगमंच की बात भी जरूर करनी चाहिए क्योंकि रंगमंच एक ऐसा स्थान है जहां कला का अद्वितीय संगम होता है जहां नृत्य संगीत नाटक का समाहार होता है जो न केवल दर्शकों को मनोरंजन देता है बल्कि सोचने पर भी मजबूर कर देता है वास्तव में रंगमंच एक साकार समाज का आईना है जो हमें समृद्ध और विचारशील बनाता है बिल्कुल और अगर भारत में रंगमंच की हम परंपरा को देखें तो भारत में रंगमंच की परंपरा शायद विश्व में सबसे पुरानी परंपराओं में से एक है आ, अगर हम भरत मुनि रचित नाट्य शास्त्र शास। की बात करें तो माना जाता है कि इसकी रचना भरत मुनि ने शायद फाइव हंड्रेड बी सी से फाइव हंड्रेड के बीच में की थी है ना कितनी पुरानी है भारत में रंगमंच की जो परंपरा है और सबसे बड़ी खास बात यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज भी भारत के इस रंगमंच की परंपरा को जीवित रखा है और साथ ही साथ उसमें नए आयाम भी जोड़े हैं और आज हमारे साथ एक ऐसे ही कलाकार है रिचा? बिल्कुल भारतीय रंगमंच की एक ऐसी कलाकार जिन्होंने एक्टर एंड डायरेक्टर के रूप में भारतीय रंगमंच का परचम न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी लहराया तो आइए स्वागत करते हैं एक्टर एंड डायरेक्टर ओम कटारे जी नमस्कार सर बहुत, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर बहुत बहुत धन्यवाद वैसे तो आपसे बात करने के लिए बहुत कुछ है बहुत सारे टॉपिक्स हैं पर हम शुरुआत करना चाहेंगे आपकी जर्नी से कि कैसे आपकी शुरुआत हुई आपने जो भी आगे कार्य किए मैं चाहती हूँ कि आप अपने विषय में अपने बारे में कुछ खुद बताएं देखिए मैं ऐसे परिवार से हूँ जहाँ बिजनेस होता है ज्वेलर्स हैं हम लोग अच्छा लेकिन मेरे जो फ़ादर थे वो साहित्य से या कह लीजिए सारी विधाओं से जुड़े हुए थे छोटे शहर में हमने बचपन से ही उनको किताब पढ़ते हुए देखा है और किताब पढ़ते हुए सोए हैं वो तो साहित्य जो है हमारे घर में बहुत मतलब चारों तरफ बिखरा हुआ था हर पेपर हर मैगजीन वीकली आती थी और किसी तरह की बंदिश नहीं थी मेरी बड़ी बहन म्यूज़िक सीख रही थी मेरे बड़े भाई तबला बजा रहे थे तो माहौल था कवि सम्मेलन मुशायरा सारी चीजें हम लोगों ने बचपन से ही देखी हैं। तो बस फिर वहां से कहाँ से लत लग गई पता नहीं <laughs> हा, 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 ही लग गई हा, हा, ऐसी लत लग लगी लग कि लग 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 आपकी यात्रा में आपने यात्री थिएटर को बनाया और आज यात्री थिएटर 45 साल पूरे कर रहा है बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को आपकी पूरी टीम को और ये बहुत बड़ी यात्रा रही है तो कैसे यात्री थिएटर की शुरुआत हुई <laughs> चलिए इससे शुरुआत करते एक्चुअली बॉम्बे में आया था दो साल का डिप्लोमा करने फिल्म स्टूडियो में स्टूडियो में डिप्लोमा और एक्टिंग का करने का सबसे बड़ा फायदा ये था कि हमें वहाँ पर चार चार पांच पांच फिल्में बनती रहती थी तो हमें बहुत नजदीक से सारा प्रोसेस देखने को मिला कैसे सेट लगते हैं कैसे लाइटिंग होती है कैसे डबिंग होती है तो ये सब हम लोगों ने दो साल के दौरान देख लिया क्योंकि हम लोगों को परमिशन थी कि आप चुपचाप दूर से खड़े होकर सेट देखिए तो बारिश कैसे होती है और हाँ। सब पूरा जो कुछ दिखाया जाता है वो सब हम लोग बहुत नज़दीक से देखा उन दोनों हमारे जो प्रोफेसर्स थे वहाँ पढ़ाते थे जो सब एफ से आए हुए थे वो कुछ न कुछ नाटक करते रहते थे तो हम लोग उसमें रोल करते थे ट्रेनिंग का पार्ट था वो बट अपना कुछ ऐसा अचानक करेंगे ऐसी सोच नहीं थी बट हम लोग वहां पर एक गेस्ट हाउस है मनाली गेस्ट हाउस मलाड में वहां रहते थे आप यकीन नहीं करेंगी मैं बात करूं सेवेंटी फाइव की सेवेंटी हाँ। फाइव से एटी तक मैं वहाँ रहा और एक बड़ा सा कमरा था जिसमें तीन लोग रहते थे हाँ। और बालकनी थी अटैच बात था बाथरूम था और सौ रुपये महीने किराया था सौर, मात्र सौ रुपये महीने और हम लोग वहाँ छह साल रहे तो उस फ्लोर पर एक फ्लोर पर सिर्फ हमारे जो फिल्माले के स्टूडेंट थे वो सब हम लोग थे तो सबने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोगों को अपना कुछ करना चाहिए कोर्स खत्म हो रहा है तो सबने मुझे आगे कर दिया तुम करो अच्छा ठीक है हाँ। फिर सबने मिलकर कुछ नाम रख दिया हाँ। दिल्ली के ही एक हमारे मित्र थे हमारे साथ पढ़ते थे हाँ। उन्होंने यात्री सजेस्ट किया ठीक है कुछ सोच नहीं थी उसके पीछे क्या है क्या नहीं है और उन्ही दिनों पृथ्वी थिएटर शुरू हुआ था सेवनटी एट में और हम लोग उन दिनों सोच रहे थे कोई नाटक करने की तो शरद जोशी जी का लिखा हुआ एक प्ले एक था गदा और अल्दा खान उसकी रहसलें हमने शुरू की तो किसी ने बताया पृथ्वी थिएटर एक कोई नया आया है हाँ, हाँ। तो गलियों में होते हो हुए गए तो मैंने कहा कहाँ गली में थिएटर <laughs> खोल दिया किसने ऐसा वैसा बट <laughs> पहला नाटक मैंने देखा वो बहुत ही लीजेंडरी एक्ट्रेस थी सुलभा देश पांडे जी अच्छा, कौन नहीं जानता हाँ और उनके हस्बैंड अरविंद देश पांडे और नितिन सेठी अच्छा। तो उनका नाटक देख रहे थे हाउसफुल था शायद इनवाइटेड शो थे उन दिनों पृथ्वी पर टिकट लगाना मुश्किल था परमिशन नहीं थी तो हम सारे लोग कलाकार लोग जहाँ से दर्शक बाहर निकलते हैं वहाँ झोली फैला के खड़े हो जाते थे तो जो कलेक्शन होता था वही हमारा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता था और एक रुपए पर हेड किराया देना पड़ता था अच्छा। को। मतलब 20 लोग हैं तो बीस रुपए हाँ। और लाइटें उतनी ही हाँ। इस तरह शशि जी ने और जेनिफर जी ने हम लोग को पेम्पर्ड किया हाँ। कि आप यहाँ थिएटर कीजिए जिंदा कीजिए क्या बात है तो बहुत महान कार्य था जो उन्होंने किया बिल्कुल तो एक साल तक हम लोग ऐसे झोली फैला के मेकअप में जैसे मैं उसमें नवाब का रोल करता था हाँ, एक अच्छा। तो नवाब नवाब की खड़े हैं धोबी भी खड़ा हुआ है जो जुगर है उसमें हाँ। फिर कोई बोल रहा है कि आपका नाटक अच्छा लगा ना। उस वक्त उससे ज्यादा यह था कि इसमें पैसे कितने <laughs> तो दो सौ रुपए सबसे पहले कलेक्शन कट्टू दो में थर्टी हाँ। फर्स्ट दिसंबर को उसी थिएटर पर हाँ। हमारे चार शो थे और चार शो में दो बच्चों के प्ले थे और दो बड़ों के और चारों शो फुल थे ऐसा पृथ्वी का इतिहास उन्होंने बताया कि पहली बार चार शो किसी के फुल हुए और कलेक्शन लाखों में था जी फर्क उस टाइम पे 240 से लाखों का आपने हाँ, किया। मतलब इंडस्ट्री है या जो थे... मतलब रंगमंच पे जितने लोग काम कर रहे हैं उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है क्यों? बिल्कुल बिल्कुल देखिए होता क्या है कि आज लाखों बल्कि करोड़ों लोग थिएटर कर रहे हैं लेकिन Uh, अगर आपने ये ठान लिया है कि मैं थिएटर करता रहूँ लगातार तो, तो समस्याएं तो हैं ही बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, हैं हर मोड़ पर तो कुछ न कुछ रास्ते बनते रहते हैं लेकिन बहुत जल्दी सर्वाइवल की एक प्रॉब्लम दूसरी चीज बहुत जल्दी लोग जब बहुत सारे मौके नहीं मिलते हैं तो उबने लगते हैं तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है हमें दस साल लगे चीटी की तरह चलते चलते तब जाके कहीं लोगों को समझ में आया कि आदमी सिर्फ थिएटर करता है हां सो इट्स नॉट दैट कि आज आपने सोचा और आपको और एक मेन रोल गया। मिल गया, और मेन रोल मिलने के बाद कुछ एक्टर बोलते हैं हम मेन रोल ही करेंगे हाँ। तो फिर बैठे रहिए हम सो सारी थिएटर की जो जो लोग सिर्फ थिएटर करना चाहते हैं उनको अपने जीवन यापन की व्यवस्था थोड़ी सी बना के रखना चाहिए फिर तो इस सुख को वो लूट सकते हैं हम otherwise फिर थोड़े दिन में समस्याएं जो, है, जो हैं है। वो आने लगती हाँ। हैं जी आ, कुछ विजुअल्स आपके कुछ प्लेस के हमारे पास हैं जो हम अपने दर्शकों के साथ यहाँ साझा करेंगे करें। और साथ मिलकर हम देखेंगे देखिए हाँ। मैं यही कहना चाहूंगा कि रोमियो के अंचल में कोई छल कपट नहीं है अगर उसके प्यार में कहीं कोई छल कपट होता तो वो तनू जी को भगा ले गया होता उसके साथ उसने बलात्कार किया होता जबरदस्त लेकिन हो। उसने ऐसा नहीं किया मेरा देखिए कहना यह है कि अगर उसको उसके प्यार में कहीं छल कपट होता तो वो अपने आप को कष्ट नहीं देता वो खुद को कष्ट दे के अनशन पर बैठा हुआ है इससे यह साबित होता है उसके प्यार में कितनी सच्चाई कितनी गहराई कितनी आत्मा है जी <laughs> ये हरिशंकर प्रसाई जी की कहानी थी दस दिन का अनशन हाँ। अच्छा उसको मैंने एडप्ट किया था इस उसका नाम था तेरी मेरी प्रेम कहानी बड़ा ही अद्भुत कहानी बड़ी ही अद्भुत कहानी है हाँ। कि शादीशुदा औरत पर एक मोहल्ले का लफंगा मर मिटा है ओ, अच्छा। और वो सब उसकी कुकर्म हो चुके हैं पिट चुका है सब हो चुका है उसका हाँ, फिर भी वो पागल है हाँ। तो वो उसको कोई सजेस्ट करता है इस शहर में फलाने नेता हैं उनके पास चलो और के पास समाधान है नेता के पास जाते हैं नेता जी बेकार हैं उनको काम चाहिए तो सोच विचार करके बोलते हैं तू जैसा मैं कहेगा वैसा करेगा तो बोलता हाँ ठीक है हाँ। तो बोलता तू उसके घर के दरवाजे पे आमरण अनशन पे बैठ जा बाकी हाँ। मुझ पे छोड़ मैं दिल्ली तक खबर ले जाऊंगा उस औरत को छीन के तुझे दिला दूंगा मतलब ये सोच परसाई साहब की जी बिल्कुल लेकिन ओम कटारे जी आपसे एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि जब भी हम अभी थिएटर को फाइनेंशियली वायबल करने की बात सोच रहे थे तो आपने कई नए आयाम तो थिएटर में जोड़े जैसे कि कॉरपोरेट्स के लिए थिएटर और उसके बाद बुक रिलीज से पहले आ, आपने प्लेस किए हैं फिल्म रिलीज़स से पहले आपने प्लेस किए हैं इससे दो तरफ़े फ़ायदे हुए हैं एक थिएटर को तो बढ़ावा मिला ही है लेकिन बहुत सारे अलग अलग जी, लोग जी, जो हैं वो थिएटर से जुड़े प्लस आपने उसको वायबल भी बनाने की एक बड़ी मुहिम उठाई तो ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ हुआ ऐसे कि हमारे एक मित्र हैं श्री एलसी सिंह बीच में आपने उनका एक फोटो दिखाया अच्छा, था अच्छा, और वो अभी आज उनकी बहुत बड़ी आईटी कंपनी है वो किसी जमाने में टीसीएस कंपनी में मार्केटिंग चीफ थे और वो थिएटर एडिक्टेड ओके तो उन्होंने एक हम लोग का प्ले देखा था जंगली कबूतर और उनको बहुत पसंद आया उसके बाद वो विदेश चले गए चार पांच साल के लिए बट वहां उन्होंने कुछ ऐसा देखा था पर उनको ये आइडिया क्लिक किया कि उनकी कंपनी एक एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रिलीज कर रही थी और वो फ्रेंडली था बहुत इवन स्कूल गर्ल कैन ऑपरेट दैट तो उन्होंने कहा मुझे बुला के कि हम लोग चाह रहे हैं कि इस प्रोडक्ट को हम एक नाटक के थ्रू रिलीज करें तो पहले तो मेरी समझ नहीं आया कि भाई क्या है ये मैंने तो कंप्यूटर कभी छुआ नहीं था उस वक्त ये 91 की बात है 18 सितंबर 1991 में नेहरू सेंटर में 1000 दर्शकों के सामने उसका मंचन हुआ क्या बात है तो उन्होंने वो समझाया कि कैसे क्या करना है तो हम लोगों ने उस पे प्ले तैयार किया स्क्रिप्टिंग लिखी गई ये मल्टीमीडिया शो था जिसमें हम कंपनी की प्रोफाइल की बात करते हैं कंपनी के अचीवमेंट्स हैं उसके बाद कंपनी के सीईओ आके थोड़ा कंपनी के बारे में बात करते हैं और उसके बाद नाटक शुरू होता है उसी नाटक के दौरान उस डेमो उसका डेमो था प्रोडक्ट का वो सब होते होते हम ये कह देते हैं डायरेक्टली कि दिस इज बेस्ट सॉफ्टवेयर इन द वर्ल्ड बट डायरेक्टली नहीं बोलते हैं कि आप खरीदिए बड़ा एक नॉवल हाँ। सी सोच थी तो ये इसको इसके लिए ये इतना प्रोफेशनल शो था इतना ज्यादा एक जरा सी मिस्टेक पूरे शो को डूबती तो हम लोग इतने अलर्ट थे कि आप यकीन नहीं करेंगी कि इसकी पहली रसल नेहरू सेंटर में जब हुई वो तेरा सेप्टेम्बर को मुझे अभी भी याद है हुई वो इतनी वाहियात थी कि सब लोग बगैर किसी <laughs> से बात किए घर चले गए इतनी वाहियात थी किसी की समझ नहीं आया क्या हो रहा कंपनी वाले नाराज होकर चले गए सब वो फिर दूसरे उनका फोन आया यार, यार मे लो हाँ। सिंक में नहीं था हाँ। मतलब सब कुछ ठीक था लेकिन एक मीडिया से दूसरी मीडिया पे जो स्विच ऑफ हो रहे थे हाँ। उसका सिंक टूट रहा था हाँ। या गैप आ रहा था हाँ। या फिर सेट बदलना था हाँ। चालीस सेकंड बदलना था उसमें एक मिनट लग गया तो हमने कहा सर हमें एक दो रिहर्सल और चाहिए तो फिर दो रिहर्सल की मैंने लेकिन हम लोग टोज पे थे दो रिहर्सल करते करते धीरे धीरे पूरे दिन हम लोग रिहर्सल करते रहे और 18 तारीख को 17 तारीख की मिड आधे रिहर्सल आधे दिन की रिहर्सल के बाद उन्होंने कहा डायरेक्टर हमारे एक टेक्निकल थे हेमेंद्र कुमार भाटिया जी उन्होंने कहा अब ठीक है चलो हुँ. तो सांस में सांस आई <laughs> लेकिन दूसरे जब हम पहुँचे तो सब कुछ सेट वगैरह लगा हुआ था और हम लोगों को सिर्फ परफॉर्म करना था लेकिन कोई आदमी किसी से बात नहीं कर रहा था इसीलिए कि कहीं कंसंट्रेशन ना टूट जाए। पिन ड्रॉप साइलेंस बिल्कुल जब शो खत्म हुआ और तालियां पिटने लगी हाँ। तब हम लोग की जान, जान, में जान आई देन इट वाज ए लॉटरी दे सेड यू गो टू ऑल मेट्रो सिटीज एंड परफॉर्म दिस एंड आठ साल तक हम टीसीएस के हर प्रोडक्ट को नाटक के थ्रू रिलीज कर रहे थे मैं प्रिंसिपल मॉडल था उस प्रोडक्ट का फॉर पांच साल के लिए हाँ। सो so मेरा मतलब उसने ये समझाया मैं कि आप जैसे आ, मैं सुन रहा था आपका ये कि परफेक्शन परफेक्शन की लाइन तो कुछ नहीं होती है लेकिन फिर भी आपको आप जब उस तक पहुंचना चाहते हैं हाँ। तो चीजें अच्छी बनने लगती हैं क्योंकि आपका एक focus... एक कदम आगे बढ़ना ही हाँ, पड़ता हाँ, है हाँ, हाँ। जी तो ये सब हुआ और हाँ। उसने मुझे इस बात के लिए ट्रेंड किया कि किसी भी चीज पर नाटक बन सकता है उसके बाद हमने ट्रैक्टर डिविजन पर महिंद्रा के नाटक बनाया जो उनका नया ट्रैक्टर आता था और ऑटो रिक्शा पे नाटक बनाया जी। फिर आ, और भी इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे कंपनियों के लिए काम किए तो एक हमको एक वो मिल गया एक एक मिल गया, हाँ। लेकिन momentum. मुझे ऐसा लगता है इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आपने और कई लोगों को भी दिशा दी बिल्कुल हाँ। जी सारे वर्कशॉप्स और जी तो जी इसी... हाँ, हम लोगों ने शुरुआत की थी वर्कशॉप की उसी वक्त नाइनटीन नाइनटी वन से और शुरू शुरू में वर्कशॉप क्या होता है कैसे होता है तो मैं वर्कशॉप कंडक्ट नहीं करता था लेकिन ऑर्गेनाइज करता था और गेस्ट बुला के उन लोगों से वर्कशॉप कंडक्ट करवाता था और ये समझता था खुद भी एज ए स्टूडेंट बैठता था कि वर्कशॉप कर में होता क्या है ऐसा मैंने नौ साल किया जी तो without... बहुत लोगों को आपने ट्रेन हाँ। भी किया और आप लेकर भी आए मंच तक आ, बहुत बहुत धन्यवाद ओम कटारी जी की आप यहाँ आए और की आप की हमारे दर्शकों के माले माले साथ बातचीत की थैंक यू थैंक यू सो मच सो मच